भाई आजा। अरे आ रहा हूँ यार बगल। कहाँ रह गए? ओ चली यार, यार बड़ा लंबा सफर है यार, चलाते चलाते यार हड्डियां पसलियां हिल गई। इस ढाबे में ना खाएं, काली दाल देता यार। अरे जब तक मैं हूं ना चिंता की कोई बात नहीं है। और सुन एक काम कर यार, तू खाना मंगा ले, बस मैं थोड़ी देर में आया रात के अंधेरे में। अरे तो बता तो दो क्या मंगा लूं। अरे भाई क्या जी, अगल बगल की जोड़ी कहां को है दौड़ी, दाल गाड़ी है। अरे वो पास का जो है ना दूसरा स्टेट, वहाँ माल पहुँचाना था, बाप का ढाबा दिख गया, सोचा पहले काली दाल तो नहीं है आज, है ना। दाल तड़का मंगा दे। ओए तड़के का छोड़, मैं काम करता दाल में अंडे फोड़ के देता तुझे। ओ अंडे फोड़ यार, दाल में जल्दी रोटी लगा। अरे भगवान, अरे तेरी है, अरे पानी तो भरवा दिया करो, उसमें पैसे चाहिए पूरे। ये अपना, अरे हट, ये कौन, अरे ट्रक, अरे अरे तेरी छोटी चप्पल, तेरी हट। ओए दाल गाड़ी है, और रुक जा। ओए चंपी किया कर आराम नाल इसदा, क्यों खींच रहा है बाल इसदा? अभी बाल खींच रहे हैं, मैं खाल खींचूंगी वो भी हंटर से। हंटर ला दो मैडम, देख ले भाई तारा। सॉरी भैया। भैया कहता तो जान से निकाल लेता मेरी तू। चल कोई बात नहीं। क्या क्या तो पनीर खा लिया तो एक दिन क्या हो गया, पैसे ले लेना ऐसे थोड़ी एक बार। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरे एफआईआर लिखो उछल कूद के। अच्छा, और बिना उछल कूदे लिखेंगे तो ना लिखवाएगा फिर एफआईआर। अरे मैडम मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा माल से भरा हुआ ट्रक है ना वो गायब हो गया, चोरी हो गया उछल कूद के। वेल कैसा माल इस दा, मैं घर पे पका के आया हूँ दाल इस दा। हाय हाय मैडम, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मैडम मैं जो हूँ ना वो एक चाय का व्यापारी हूँ, मेरी ना चाय पत्ती बनाने की फैक्ट्री है, चाय की पत्ती जो है ना वो गुदगुदी चाय नाम से मैं मार्केट में बेचता हूँ उछल कूद के, और ये जो चाय की पत्ती है ना मैं अपने स्टेट में और पड़ोसी स्टेट में बेचता हूँ। तो हुआ ये कि माल से चाय की पत्ती से भरा हुआ जो मेरा ट्रक है ना वो गायब हो गया, चोरी हो गया। ये नहीं बोलेगा कुछ? अरे तू खड़ा क्यों है, तू बोलना। थैंक यू। चिल्लाइए मत, ट्रक मेरा भी कुछ लगता था। मैडम मैडम मैं हूँ ट्रक का क्लीनर बगल, और मेरे साथ में जो था वो ट्रक का ड्राइवर अगल, हम दोनों मैडम चले जा रहे थे, साथ में ट्रक भी चला जा रहा था, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ मैडम अगल को भूख लगाई तो हम लोग एक ढाबे पर रुक गए खाना खाने, बस मैडम उतनी देर में ट्रक जो था वो चोरी हो गया दिन के उजाले में। एक मिनट, अभी बोल रहे थे रात के अंधेरे में, अभी बोल रहे हैं मैडम दिन के उजाले में, क्या है ये? अरे अरे मैंने क्या किया क्या कहा वो सब छोड़िए, उसे पकड़िए जिसने ये कांड किया है दिन के उजाले में। अबे हमें ना बता कि के कीजिए और के करिए, हम कर लेंगे हमें जो करना है। क्लीनर ड्राइवर कहाँ है ड्राइवर, उसे क्यों ना लाया साथ? अरे उसकी तो बात करने आए ना मैडम के वो ट्रक के साथ साथ हमारा जो ड्राइवर है वो भी गायब हो चुका है उछल कूद के। ये आखिरी बार उसे कब देखा था और कहाँ देखा था? अरे मैडम अगल जो था वो मेरे साथ ही था, हम दोनों खाना खा रहे थे, फिर पता नहीं अगल बोला कि मैं 2 मिनट में आता हूँ, वो मैडम वहां गया, उतनी देर में मैडम ट्रक चोरी हो गया दिन के उजाले में। वेल कहीं वही तो नहीं ट्रक लेके भागा इस दा, आई लाइक सलमा आगा इस दा। अरे भी बहादुर में दिल के अरमान आंसुओं में। नो अरे दादाजी ये सब फालतू की सोच है आपकी, मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दिन के उजाले में। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगल जो गया था वो दूसरी दिशा में गया था, ट्रक खड़ा था दूसरी दिशा में, फिर चोरी हो गया दिन के उजाले में। मैडम इसकी बात छोड़िए ना, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो ट्रक ड्राइवर यानी कि अगल जो है ना वो मेरी ट्रक लेके चोरी करके भाग गया, आप है ना उसे प्लीज पकड़िए उछल कूद के। बिल्लू लिखियो जरा ड्राइवर का एड्रेस वगैरह।
करते हैं हम कुछ। थैंक यू वेरी मच मैडम। हाँ तो ड्राइवर का नाम है पान खा के लिखते होंगे। ये सिस्टम है यहाँ की पान खाने के बाद। या ओके। खुदा का शुक्र है कि आज शुक्र है और हम शायरा बानो मानो या ना मानो अपनी शायरी से सबको घायल कर दूंगी। घुंघरुओं को आज मैं पायल कर दूंगी। एक शेर अर्ज कर रही हूँ, मुलायजा फरमाइएगा। बड़ी मनुष्य शक्ल के मालिक हैं आप, गौर फरमाइए। चमगादड़ के इश्क में मक्खी दीवानी हो गई, दांत चाहूंगी यहाँ पर। चमगादड़ के इश्क में मक्खी दीवानी हो गई लीला। ये इश्क बड़ी ही जालिम चीज है, गौर फरमाइएगा कि चमगादड़ के इश्क में मक्खी दीवानी हो गई। वाह वाह तो बोलिए हुजूर। वाह 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 वाह, जल्दी खत्म करना। चमगादड़ के इश्क में तितली दीवानी हो गई। एक्सक्यूज मी, अभी अभी तो आपने ऐसा कहा कि मक्खी दीवानी होगी। मक्खी आपकी बुआ भतीजी लगती है? नहीं। या खाला आपा बाजी? नो। तो तितली के नाम पे आप इतना क्यों चिढ़ गए? सॉरी उल्लू। गौर फरमाइएगा, शेर के बीच में तीली ना करें, शायरा का सऊर जाता है। के चमगादड़ के इश्क में तितली दीवानी हो गई और बिलौटे के इश्क में बिल्ली सयानी हो गई। ये लिखने वाले की कलम आपकी तरफ इशारा कर रही है कि बिलौटे के इश्क में बिल्ली सयानी हो गई और अपनी मोहब्बत का रसगुल्ला तुम मुझे ही खिलाना। अपनी मोहब्बत का रसगुल्ला तुम मुझे ही खिलाना कि तेरे इश्क में ए मच्छर मैं मच्छरदानी हो गई। गुस्सा बाबा बाबा। तो ड्राइवर का नाम जो कुछ हुआ था क्या? लिखवाया नहीं अभी तक? लिखवाओ ना यार, ड्राइवर का नाम पता। अरे किसी ने बोला नहीं लिखने, तो लिखो। एगल, मतलब के अगल ड्राइवर का नाम। कोई फॉर्म है तो हमें ही बता दीजिए, हम खुद। अरे चुप रहो ना यार, हमें ही बता दीजिए। लिख जरा ड्राइवर का नाम पता। ले आओ जी। ये घर है सर, देखो कोई है क्या नहीं अंदर। हेलो हेलो, कोई है अंदर? कौन है? कौन है? तू झांका तो मेरे घर में है? झांक नहीं मैं, अरे मैं तो खाली क्या मैं ऐसे झांकते हैं लोगों घर में? नहीं नहीं, बोल क्या हुआ सर? क्या हुआ? Well, हम है पुलिस वाले इसदा, छुड़ा के आया हूँ अपने घर के जाले इसदा। तो मैं क्या करूँ, पुलिस वाले हो तो चोर को पकड़ो जाके, मेरे घर के जाले निकालने आए हो क्या? सीरियल शुरू होने वाला है। अरे कौन सा सीरियल, मैं भी देखता हूँ। हाँ, चल मेरे साथ आके बैठ के देख। चल। अरे मतलब सॉरी सर। देखिए मैडम, हम पुलिस वाले, हमने वर्दी पहनी है, हम कानून के तरफ से यहाँ आपसे कुछ पूछताछ करने आए जरा। अरे पुलिस वाले हो तो क्या करूँ, हैं? हम भी पब्लिक है, सब जानते हैं अंदर क्या और बाहर क्या है। ये पापा। अब देखिए हमें बताइए जरा कि वो अगल कहाँ है। अरे पता नहीं, दो दिन से काम मर गया है, मैं खुद ढूंढ रही हूँ उसको। तुम लोगों को मिले तो भेज देना मेरे पास, हड्डियाँ तोड़नी है उसकी, सीरियल शुरू होने वाला है। देखिए हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। वारंट है तेरे पास? अबे हमारा मतलब है, सुनिए हम खाली हाथ कहीं नहीं जाते, समझे? कच्ची गोलियां नहीं खेली हमने, हम प्रोफेशनल पुलिस वाले हम। हाँ
रॉबी वारंट निकाल। ये रॉबी वारंट निकाल। वाला रॉबी बेबी वारंट निकाल। रॉबी वारंट निकाल। सर वो ड्रॉयर में रह गया सर। सरपंच ब्रंट सर। चलो निकलो। बड़े आए पुलिस के ड्रेस पहन पहन के लोगों को परेशान करके आते हो। दरवाजा ठोक दो, इससे पेंट संबंध नहीं लिए। ए ये दूसरों की औरतों के घर में झांक रहा है। इसको रिटायर करो। रिटायर करो इसको। निकाल दे। देखिए इनका दिखना मत, बोल मत मेरे सामने कुछ भी। चल तू क्या देख रहा है? चल चल आपका फूल। चल चलो यार चलो घर। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। हाँ तू भी मार ले मेरे को। बाहर आ जाओ। अरे वो लोग गए क्या? हाँ गए, इसलिए बोल रही हूँ बाहर आ जाओ। अरे जिस बात का डर था ना वो युवा पुलिस मुझे ढूंढते हुए ना यहाँ तक आई गई रात के अंधेरे में। अरे अब है ना पुलिस दोबारा किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है, मुझे यहाँ से भागना होगा। गुड बाय डार्लिंग, मैं है ना पीछे वाले रास्ते से निकलता हूँ रात के। चलो चलो निकलो फटाफट निकलो। कहीं जा रहा था? भाग रहा था ना पीछे के रास्ते से? अरे नहीं सर, मैं कहीं नहीं भाग रहा था, घूमने जा रहा था यहाँ। माफ कर दो सर। राधा तुम मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। मैं रेशमा के चक्कर में पहाड़ों में चला गया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया, मैं वापस आ गया हूँ। राधा मुझे पता है कि रेशमा नहीं राजमा में मजा है जो तुम बनाती हो। बोलो आज रात को राजमा बनाओगी मेरे लिए? राजमा बनाओगी ना? राजमा बनाओगी ना? बिल्कुल कुछ हुआ था के बच्चे, बिल्कुल टाइम देख के जावे थारी याददाश्त कि यो एकदम गलत टाइम है, अभी चली आती हूँ मैं। हाँ भाई ड्राइवर, तने के सोचा पुलिस बालक हो रही है कि थारी बीवी हमें कोई स्टोरी सुना देगी और हम कहेंगे ओके मैडम। बोल ट्रक और माल कहाँ है? अरे मैडम मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे मैं सच कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। रात के अंधेरे में। ठीक है भाई, जब तू इतना फिल्मी हो रहा है तो हम भी एकदम फिल्मी स्टाइल में काम करेंगे। मैं 10 तक गिनूंगी हैं, और 10 तक गिनने के बीच में अगर तैने अपना मुंह खोल दिया तो वेल एंड गुड, अगर तो ना खोला तो थर एनकाउंटर कर देंगे हम और हमें लग जाएगा एक और मेडल है भाई। तो 10। अरे मैडम मैं कसम खा के कहता हूँ, अरे मैं ढाबे पे गया था लेकिन वहां से किसी ने ट्रक चुरा लिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। रात के अंधेरे में। तो 2 दिन से फिर गायब क्यों हो गया? क्यों छुपा छुपा फिर रहा है यहाँ से वहां? अरे सर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पक्का मालूम था कि ट्रक की चोरी में मेरा नाम जरूर आएगा, क्योंकि मेरा मालिक से एक दो बार झगड़ा हुआ था, इसीलिए मैं डर के मारे गायब हो गया था रात के अंधेरे में। अबे बहुत हो गया था ना रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में। अरे इसे के मालूम है के नहीं मालूम है वो तो मैं पता लगा लूंगी। फिलहाल बिल्लू तू जरा दूसरे स्टेट से पता कर कि ट्रक कितने बजे वहां घुसा चुंगी मैं, और हमारे स्टेट से पता कर कि ट्रक कितने बजे निकला। ओके। क्योंकि ट्रक के जाने का रास्ता तो एक ही है। अरे नई चौकी बड़ी जबरदस्त है। गोपी कलम आया ना तो हमारे पैर दबा देना। श्योर। और बिल्लू हमारे लिए भाजी लेकर आना कल, समझे? ओके। चलो हो गया। क्या क्या कर रहे हैं? यही सब करने आते हैं टाइम पास? सरीफ लड़कियों के संग फ्लर्ट? काम वाम करिए कुछ अपना। बिल्लू
जी मैडम। ओ बिल्लो। मान जाओ कुछ नहीं होता, शुरू शुरू में होता है ऐसा। पांडे जी आहा आहा। अबे कितनी गर्मी है बे, अबे छाता ठीक रख ले। नौकरी होती है तेरे, बैठ जा यहाँ पे, मैं छाता पकड़ ले दूँ। पानी वाली है कि नहीं इंस्पेक्टर साहब? क्या ले? एक ट्रक का पता करना है कि अपनी चुंगी से निकला कि नहीं। चल भाग में, देख रीला गर्मी मर रहा हम, और आगे नंबर पता लगाओ, पता लगाओ। यही करने मैडम चौटाला मैडम ने भेजा है। तो पहले बताना चाहिए ना ये नंबर। ओए रजिशाला, क्या? अबे अभी ये कैसे हो सकता है बे? टीरक सामने कह रही हूँ, इस नंबर का टीरक तो क्या, दो पहिए की साइकिल देखी आप? वो तक मेरी चुंगी से पास नहीं हुई। Well, इसका मतलब वो ट्रक नहीं पहुंचा दूसरी स्टेट इज द तबागड़ा ही ग्लास और कपलेट इज द। अरे सुनो भैया, यहाँ पान कैसा मिलता है यहाँ पर भोपाल में? पान साहब मेरे भोपाल की दो ही चीजें तो मशहूर है, औरत पे पर्दा और पान में जर्दा। दोनों चीज की हमें बहुत जरूरत है। अबे कहाँ मर गया बे? रजिस्टर लगा रहा हूँ ना मैं। नौकरी पे आनी नहीं है तुझे, एक घंटा लगा रहा है। चौटाला मैडम ने भेजा वहां से। पकड़ भाई, चाय पकड़, चेक करने दे। क्या कर रहा है? फूक मार रहा था मैं इतने पास से, बीवी लेता चढ़ गया ये चौटाला मैडम के पास रह रहे के। मेरे पास रहता ना तो सुधर ही आता तू। हाँ ये ट्रक पास हुआ है कल रात को 10:30 बजे, पकड़। रखो है। तो टोल टैक्स भी दिया होगा इसने? हाँ दिया था, टोल टैक्स भी भरा उसने। तो पर्ची कटाई थी या वैसे ही रख लिया आपने? बताऊँ मैंने? नहीं वो तो बस पूछने की बात है। इसका मतलब इस स्टेट की चुंगी से तो ये ट्रक पार होके निकला है, तो दूसरे स्टेट की चुंगी में गया ही होगा है? अरे ऐसे कैसे हो सके, हमारे स्टेट की चुंगी से तो निकला है ना ट्रक, और उनकी स्टेट की चुंगी तक ना पहुंचा। हाउ लाइक दैट? वही तो कंफ्यूजन है, मिस्टर डाला से कैसे हो सकता है? हमने बात की उस तरफ के अफसर से, उसने हमें कहा कि इस नंबर का ट्रक उनकी चुंगी में आया नहीं। इसका मतलब है वो हमारे साइड में, हमारे स्टेट में है वो ट्रक। अरे नहीं सर, लेकिन हमारे स्टेट की चुंगी से तो पार हुआ है ना, और उनके स्टेट की चुंगी तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब यो है कि दोनों स्टेट के बीच में आधे किलोमीटर का जो पैच हो रहा है, वहां से कहीं गायब हो गया ट्रक। मैडम मैं तो बोलता हूँ वो ट्रक नहीं है, भूत है। अबे शाबाश। नहीं मेरा मतलब है कि वो रास्ता तो एकदम सीधा सीधा है, वहाँ कोई मोड़ भी नहीं है कि जहाँ ट्रक मुड़ गया हो, वो तो सीधा जाता है रास्ता और चुंगी पर खत्म हो जाता है। तो और बात ये है कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ है, तो चाय का काम है ना? तो ट्रक खाई में गिरा है और ना ही पहाड़ चीर के घुस सके। आखिर ये ट्रक गया तो गया कहाँ? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.